दोस्तों आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई तीसरे T20 मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा। भारतीय टीम के इस प्रदर्शन को देखकर सनत जयसूर्या ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद आपका भी खून खोल उठेगा। तो चलिए बताते हैं आपको उनके इस बयान के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है रोहित शर्मा और शिखर धवन में से कौन बेहतरीन सलामी बल्लेबाज है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच गुरुवार 29 जुलाई को 3 मैचों की श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच खेला गया। इस मुकाबले को लेकर प्रशंसकों में काफी ज्यादा उत्साह था, क्योंकि इस मुकाबले से पहले दोनों ही टीमों में एक एक मैच जीतकर सीरीज में अपनी बराबरी कर चुकी थी और अब ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक होने वाला था, क्योंकि जो भी टीम इस मुकाबले में जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करती वो इस सीरीज को अपने नाम कर लेती। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद ही शर्मनाक रहा। बता दें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के बल्लेबाजी का क्रम पूरी तरह से फ्लॉप रहा। भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन करा। सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने डबल डिजिट का आंकड़ा पार किया और भारतीय टीम ने अपने निराशाजनक पारी के चलते श्रीलंका के सामने 20 ओवर में सिर्फ 82 रनों का लक्ष्य रखा, जिसको श्रीलंकाई टीम ने बेहद ही आसानी से हासिल कर लिया और इस मैच में जीत हासिल करके श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों भारतीय टीम की शर्मनाक हार के बाद श्रीलंकाई टीम के पूर्व बल्लेबाज सनत जयसूर्या ने भारतीय टीम का खूब जमकर मजाक उड़ाया। उन्होंने भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर अपने बयान में कहा कि उनको मालूम था कि भारतीय टीम श्रीलंकाई टीम के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगी। भारतीय टीम की ये कमजोर बी टीम श्रीलंका के साथ सीरीज खेलने आई है। ये श्रीलंकाई टीम के लिए काफी शर्मनाक बात थी कि वो भारतीय टीम की ऐसी कमजोर टीम के सामने सीरीज खेल रही है। बहरहाल श्रीलंकाई टीम ने अपने जबरदस्त खेल के प्रदर्शन से भारतीय टीम को चारों खाने चित कर दिया। उनको विश्वास था कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी भारतीय टीम को T20 श्रृंखला में धूल चटाने में पूरी तरह से कामयाब रहेंगे और उन्हें ऐसा करने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। भारतीय टीम के बल्लेबाज श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और एक भी बल्लेबाज श्रीलंका के विरुद्ध प्रदर्शन करने में सफलता हासिल नहीं कर पाया। ये श्रीलंकाई टीम के लिए अच्छी शुरुआत है कि वो आगे चलकर आगे कई और टीमों को अपने जबरदस्त खेल के प्रदर्शन से धूल चटाने में कामयाब हासिल करते रहेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि श्रीलंकाई टीम के खिलाड़ी आगे भी ऐसे प्रदर्शन को जारी रखे और श्रीलंका का नाम क्रिकेट जगत में दोबारा से ऊंचा करे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या श्रीलंकाई टीम ने श्रृंखला में भारतीय टीम से बेहतर प्रदर्शन किया या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।